रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ट्रिपल एस स्टूडियो में, जहां पर एक गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक कलाकार कहें, सिंगर कहें, मुरारी लाल खत्री जी। जी सर, मुरारी लाल जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज अभी आपने स्टेज पे एक गाना गाया, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊँ। जी सर, उसमें एक लाइन है, हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ ना दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ ना दिया। जब ये गाने की लाइन चल रही थी, आपकी आंखें छलक रही थी, आंखों में आंसू थे, क्या ऐसा दर्द और क्या सोच आपके दिमाग में चल रही थी? सोच कुछ नहीं है सर, बस ऐसे गानों में अच्छा लगता है गाना। ऐसी कोई सोच नहीं, घर में ऐसी कोई बात नहीं, फैमिली खुश है, बच्चे हैं। ऐसे गानों में आप इतना खो जाते हैं कि मेरे अंदर गम ही गम भरा हुआ है। जी, गम ही गम भरा हुआ है, जैसे गम वाले गाने बात करूँ मैं। कैसे? बचपन से गम ही गम देखा है मैंने, अब जाके सेट हूँ थोड़ा, तभी आपको इस तरह के बस ऐसे गाने अच्छे, फैमिली के उजड़ने के, ऐसा जो भी कुछ होता है। तो जैसे हमने सही पहचाना आपको, कुछ दर्द आपके दिल में छुपे हुए पुराने। जैसे एक गाना था, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही ये क्या हुआ। ऐसे गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, हम भी आपके दर्द में आपके साथ हैं। थैंक यू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐसे गायक हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप इस मंच में आए, और हम उम्मीद रखेंगे कि आप इसी तरह आते रहें और इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाते रहें। थैंक यू, जोरदार तालियां। आइए, कैमरामैन रवि छाबरा के साथ वीपी शर्मा, आइए। थैंक यू।